पर्सनल मैटर है, उस पर मैं क्यों जाऊं, पर्सनल मैटर है। आप वो पर्सनल मैटर हो सकता है, ये भी तो पर्सनल मैटर हो सकता है, पर्सनल गलत काट दिया, पर्सनल मैटर तो हिंदू बेटी को नहीं करनी चाहिए। तारीख फतेह बोल रहा है, एक मिनट तारीख फतेह बोल रहा है, तारीख फतेह बोल रहा है, तारीख फतेह और मोहम्मद फरहान एक एक करके, पर्सनल मैटर है, हत्या है, नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए तारिक फतेह के बारे में किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, उन्हें आपके बारे में नहीं बोलेंगे, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे, बस शांत। तारिक फतेह बोल, तारिक फतेह मस्जिद नहीं है जहाँ आप खड़े हो गए। तारिक फतेह देखिए, नेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसपे इंडिया सिग्नेटरी है, उसका क्लॉज है कि एनी एडल्ट कैन चूज टू मैरी एनी अदर एडल्ट of his or her choice. आप कह रहे हैं कि हिंदू ने मुसलमान से शादी क्यों कर ली? कैसी बात करते हैं आप लोग, हिंदुस्तान में रह के कह रहे हैं हिंदू से शादी क्यों की? वो कह रहे हैं गला काट दिया, पर्सनल मैटर है भाई, क्यों बतंगड़ बना रहा हूं, क्यों अमन चोपड़ा बैठकर बात का बतंगड़ बना रहा है, पर्सनल मैटर है, गला काट दिया, क्यों परेशान हो रहे हम लोग? आपकी नजर में औरत की कीमत यह है क्या? आप कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना दिया, बच्ची की जिंदगी कत्ल हो गई। अभी उत्तराखंड में एक बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, सर वो नहीं कोई बोल पा रहे हैं, ना जाने कितनी बच्ची, कोई धर्म का मामला नहीं, कोई धार्मिक जिहाद नहीं, आप समझ रहे हैं, यहाँ बुर्का नहीं पहनने की वजह से मारा गया है, आप आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे, आंखों पर बुर्का पहना है क्या, समझ नहीं आ रहा है, बुर्का नहीं पहनने की वजह से गला काटा है, 14,000 बलात्कार नहीं बोल पा रहे हैं, 14,000 बलात्कार क्यों, नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं, 6 साल की बच्ची से बलात्कार, 5 साल की बच्ची से बलात्कार, 3 साल की बच्ची से बलात्कार, इस पर नहीं बोल पा रहे नारी सम्मान उपाध्याय। मुझे पीएफआई पर सवाल पूछना था, लेकिन अश्वनी उपाध्याय इस खबर ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सब ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो चलिए होता है, इंडिया में सरतन से जुदा भी नॉर्मल हो गया था, बुर्का नहीं पहनने की वजह से गला कट गया, ये तो नॉर्मल नहीं है भाई, कहीं तो फुल स्टॉप होगा, कहीं तो हिलेंगे अंदर से हम लोग, कोई तो वेकअप कॉल होगी कि अब ये नहीं भाई, ये नहीं है भैया इंडिया। अमित जी आज इस समय नवरात्रा चल रहा है, और नवरात्रि में हम लोग कन्या पूजन करते हैं, और एक दो ढाई 3,000 साल पहले पूरी दुनिया में कन्या पूजन होता था, पूरी दुनिया में नवरात्रे होते थे, पूरी दुनिया में शंकर जी की पूजा होती थी, पूरी दुनिया में राम की पूजा होती थी 3,000 साल पहले, बाकी सब उसके बाद ही आए। तो प्रश्न ये है कि ये दो संस्कृतियों का युद्ध है, एक संस्कृति नारी कहता है नारी तू नारायणी, एक कहता है नहीं नारी तू गुलाम है, जैसा मैं कहूंगा वैसे रहना पड़ेगा। एक संस्कृति ये कहती है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, सब लोग समान है, एक कहता नहीं मैं पाक हूं तू नापाक है, जैसे मैं कहूंगा वैसे रहो तो ठीक नहीं तो ये। एक संस्कृति कहती है सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, नहीं दूसरा कहता नहीं अगर तुम ये करोगे तभी जन्नत जाओगे, तुम अगर पाक हो तभी जन्नत जाओगे, नहीं तो तुम जन्नत जाए नहीं, तुम जहन्नुम जाओगे। तुम आतंकवादी हो, तुम अलगाववादी हो, तुम कट्टरपंथी हो, तुम चरमपंथी हो, तुम बलात्कारी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये काम करोगे तब तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, नहीं तुम लाख अच्छे हो तुम्हें जन्नत नहीं, तुम्हें जहन्नुम में जाओगे। एक सोच यह है कि जब तक पूरी दुनिया नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, पर्टिकुलर एक सेक्ट में नहीं आ जाएगी, पर्टिकुलर एक तरीके से अपना सिस्टम अडॉप्ट नहीं करेगी, तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। तो समस्या ये दो संस्कृतियों का है, ये दो सोच का है, और ये जो सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया में है, आप देख लीजिए ईरान में क्या हो रहा है, जिस जो ईरान शांत था, खुशहाल था, जब वो पर्शिया था, बहन बेटियां आराम से बाहर निकलती थी, आज वहां पे उनको बाहर निकलने पे अगर उनका सर खुल जा रहा है और सर ढका नहीं है तो मार दिया जाता है। तो आप ऐसे देखिए कि जहां पूरी दुनिया में गंधार को आप देख लीजिए, जिस गंधार में स्वयंवर होता था, जब से अफगानिस्तान बना है लड़कियों का स्कूल जाना मना हो गया, और जाएंगी भी पूरा ऊपर से नीचे तक ढक के जाएंगी। कैके को देख लीजिए, जहां राजा भरत का ननिहाल था, पेशावर बन गया, आज की डेट में बिना आप सर खोल के आप निकल नहीं सकते। लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी, ये मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, ये ना ये भरोसे का सरतन से जुदा हुआ है। हम लोग कभी भी इसके खिलाफ नहीं है, मैं डिबेट यहाँ पर मैं ब्रेक ले रहा हूँ, हम लोग खिलाफ होते हैं लव जिहाद के, जिसमें पहचान छुपा कर धर्म बदल कर आप किसी को फंसाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान, हिंदू बच्ची मुसलमान लड़के से शादी करे, वो प्यार का मामला है, कोई नहीं उसमें दखल अंदाजी कर सकता है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो लगता है ये भरोसे का सरतन से जुदा है, ये गंगा जमनी तहजीब का सरतन से जुदा है, ये भरोसे का कत्ल है, ये भरोसे का मतलब जो कहते हैं ना आपसी सद्भाव का गला काटा गया, वो दुख होता है। रूपाली ने शादी करी मोहम्मद इकबाल से,
मुस्लिम रीति रिवाज नहीं माने, बुरका नहीं पहना तो गला काट दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।